तो मैं यही कहना चाहूंगी अशोक जी के लिए, कली को आग कहते हैं, बुजी को राख कहते हैं, उस राख में से जो बारूद निकलता है उसे अश्वात कहते हैं। ये वो बारूद है जो आपके शहर को बर्बाद नहीं कर रहा, चमका रहा है। आपने इतने कॉलेज बनाए, औरतों के लिए पढ़ाई के लिए किया, बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, और भगवान करे आप ऐसे ही तरक्की करते रहे, ऐसे ही अपना जन्मदिन खुशहाली से मनाते रहे और सबको बुलाते रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे मैडम को तो बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, कितना एंजॉय करे हैं उसके साथ, इतना साथ डांस भी करे, दोनों का बहुत 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 शुक्रिया अदा करता हूँ सबके तरफ से, गुलबर्गा में पहली बार आई हूँ। लास्ट में हैदराबाद आई थी जब मैं बादशाह की शूटिंग कर रही थी, रामोजी स्टूडियो में वहाँ पे सेट लगा था एरोप्लेन का और एक दो शूट करने आई, लेकिन इस शहर में पहली बार आई हूँ और मैं सच में बहुत घबरा रही थी कि 5 घंटा दूर है, कैसा होगा, क्या होगा। बट नारायण जी जिन्होंने मुझे आने के लिए बुक किया था, उन्होंने बहुत तारीफ की टीम की, और जब मैं आई और मैंने जब उनका AV देखा, उन्होंने इतना कुछ किया है इस शहर के लिए। एंड सबसे अच्छी बात है कि जो वो मोहम्मद जी के पास गए थे और उन्होंने जो बोला था कि अपने घर पे जाओ, बहुत लोग जाते हैं बॉम्बे शहर और मायूस होके आते हैं और उसको उससे मायूसी से पूरी ज़िंदगी गुजारते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी तरह अपने टैलेंट को भी किया, अपने शौक़ को भी पूरा किया और पूरे शहर को इतना अच्छा, मतलब म्यूज़िकल प्रोग्राम होता है, स्कूल कॉलेज सबके लिए खोला है। आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड बाय हिम एंड आई एम गॉड ब्लेस हिम। आज उनका बर्थडे, मैं बस दुआ यही करूँगी कि वो हमेशा हेल्दी रहे, ऐसे ही हंसते खेलते जन्मदिन मनाते रहे, सारे सितारों को यहाँ पे बुलाए। क्या होता है ना, हम तो सारे इवेंट में जाते हैं लेकिन हम लोगों को एंटरटेन करते हैं। आज मैं एंटरटेन होके गई हूँ और मैं इतनी थकी हुई थी, मैं सुबह 5 बजे की फ्लाइट से आई, 4 घंटा ट्रैवल करके आई, स्वेयर मुझे लगा था कि पता नहीं क्या होगा, बट मैं बहुत खुश होके जा रही हूँ। इतने प्यारे लोग हैं यहाँ के, इतनी यूनिटी है और इन्होंने जो प्रोग्राम किया था, और मेरे ख्याल से उनके बर्थडे के दिन और बड़ा करेंगे। बस यही दुआ करूँगी वो हमेशा ऐसे ही खुश रहे और हैप्पी बर्थडे उनके पूरे परिवार को, सब सलामत रहे, खुश रहे, यही कहना चाहूँगी। हेलो, नमस्कार करता हूँ देवर सज्जनों, मयूर शशिकांत पिडवाल और अभी ATV के जितने भी दर्शक हैं उन सबको मैं नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि फिर एक बार मैं दोबारा यहाँ पे, अशफाक भाई का जन्मदिन है आज और जन्मदिन के शुभ अवसर पर मैं यहाँ पे आया हूँ, और अशफाक भाई और उनके जितने भी मित्र हैं, उनका परिवार है, मुझे बहुत प्यार करते हैं। और अभी अभी मैंने देखा कि वो घोड़े पे बैठे हुए थे और जितने भी उनके चाहने वाले हैं बिल्कुल बैंड बाजे के साथ उनको लाया जा रहा था, लोग नाच रहे थे, और मेरी ओर से अशफाक भाई उनको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, मेनी मेनी हैप्पीनेस ऑफ द डे। और एक ही बात कहूँगा कि उगता हुआ सूरज दुआ दे आपको, खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको, हम तो कुछ देने के काबिल नहीं लेकिन देने वाला हजारों हजारों दुआ दे आपको, मेनी मेनी हैप्पीनेस ऑफ द डे। नानू सौम्या भट्ट कटीलू, सिंगर फ्रॉम मैंगलोर, निजवागलू तुम्बाने खुशी आगता इदे अशफाक सर अवर बर्थडे ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಇವತ್ತು. ಒಂದು ಮಾಹೋಲ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ಇದು. ಮಾಝಾ ನಾವು ಮೇಘಾಂಬರಿ ಆಣಿ ಆಜ ವಾಢದಿವಸ ಝಾಲಾ ಅಶಫಾಕ ಕಾಕಾ ಚುಲಬುಲ ಯಾಂಚಂ ಆಣಿ ಯಾಂನೀ ಬರೇಚ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾ ಠಿಕಾಣಿ ವೇಗವೇಗಳಿ ದರವರ್ಷಿ ಉಪಕ್ರಮ ರಾಬವತಾರ. मैं नूर मारिया हैदराबाद से यहाँ पर तशरीफ लाई हूँ, गुलबर्गा में मैं मौजूद हूँ। हमारे ये जो गुलबर्गा के बेहद ही फेमस पर्सनालिटी अशफाक साहब का आज जन्मदिन मनाया जा रहा है, क्योंकि 1981 से ये लेट मोहम्मद रफी साहब के बहुत बड़े फैन हैं और उनकी याद में ये प्रोग्राम होता है, हर साल होता है, तो आज भी ये प्रोग्राम बड़े पैमाने पर हुआ है। बहुत ही अच्छा सा परफॉर्मेंस रहा सबका और दूर दूर से यहाँ पर सिंगर तशरीफ लाए हैं, अपना परफॉर्मेंस पेश करेंगे। और इस फंक्शन में इतने प्यारे लोग, इतने बोलो अगर अच्छे संगीत चाहने वाले,
बहुत सारे लोग इतना मुझे दुआएं दिए, आशीर्वाद मिला सबका, जिसमें दीपिका जी फिल्म एक्ट्रेस, जूनियर अमिताभ बच्चन, सोनिया भट्ट कटिंग प्रोग्राम में पूरे जान लगा दी, बेचारे कितना शानदार गीत पेश किए, मेरे साथ भी डिवेट जबरदस्त पेश किया है। मैं मुझे 24 दिसंबर मोहम्मद रफी साहब के बर्थडे सेलिब्रेशन में जो इन्वाइट करना चाह रहा हूँ, दावत देना चाह रहा हूँ, आए तो बहुत बड़ी शुक्रिया हूँ। और तमाम लोग जो मेरे इस प्रोग्राम में आए हैं, हर एक का मैं पूरा नाम नहीं ले सकता, हर तो फर्दन सबका शुक्रिया, थैंक यू, मेहरबानी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि उनकी लंबी उम्र हो, अच्छी जिंदगी हो, परेशानी नहीं आना, हर जिंदगी में खुशियाँ बिखरे।